आइए आज आपको दर्शन कराते हैं श्मशान काली का। हम लगातार धार्मिक स्थलों पर जाकर आपको उनकी विशेषताओं के बारे में बताते रहे हैं। यह है प्रसिद्ध बनकाली मंदिर। गोविंदपुर बाजार से अंदर होने के बावजूद भी यहाँ भक्तों की संख्या में कभी कमी नहीं होती है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि किसी को मालूम नहीं यह मंदिर कितना पुराना है, परंतु 1860 ईस्वी से इसका रिकॉर्ड है। उस समय अनुमान है कि डाकू इसका पूजा किया करता था। चूँकि यहाँ जंगल ही जंगल था, इसलिए इस जगह का नाम बनकाली पड़ा। अब इस मंदिर में आम जनता भी पूजा करने आते हैं और सामान्यतः आम जनता ही पूजा करती है। शनिवार एवं मंगलवार को यहाँ अधिक भीड़ देखी जाती है। बढ़ते जनसंख्या से अब यहाँ आसपास में लोग घर बनाकर रहने लगे हैं, इसीलिए भय की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ से अनेक परिवार अपना पेट चला रहे हैं, पूजा दुकान, ठेला वाले, आइसक्रीम वाले आदि आदि। मंदिर के आमदनी के बारे में आप अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं कि कितना चढ़ावा यहाँ प्रतिदिन चढ़ता है, जिसमें कुछ कैश भी होता है। चूँकि यहाँ भूत पिशाच से लेकर घर के बाधा को भी दूर करने का दावा किया जाता है, इसलिए यह मंदिर आर्थिक रूप से मजबूत है। यहाँ आज भी बलि प्रथा चलता है। जिसकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं, वह यहाँ छागर अर्थात बकरा का बलि चढ़ाते हैं। काली पूजा के अवसर पर यहाँ अपार भीड़ देखी जाती है। कोरोना काल में जहाँ देवघर जैसे मंदिर भक्त के लिए बंद कर दिया गया था, वहीं यहाँ के पुजारी का कहना है कि यहाँ भक्तों की संख्या में उस समय भी कमी नहीं आई थी। इस मंदिर के पुजारी कहते हैं, इस मंदिर का बहुत महिमा है, इसका अपरंपार महिमा है। ऐसे चीजों को आप बताइए जो भक्त अभी तक नहीं जानते हो, गुड़ चीजों को बताइए जिससे कि लोग आकर्षित हो और वो भी इसका लाभ आके माँ के शरण में ले सके। 1860 का मंदिर है ये, पहले डकैत लोग पूजा करते थे, उसके बाद हमारा एक जजमान है वही इसको प्रतिष्ठा कराए, सिपोती रूज नाम है, और हमारा दादाजी थे राम विष्णु लायक, वही प्रतिष्ठा इनको कराए थे। उसके बाद से इनका महिमा तो बोलना नहीं होगा, आदमी जो भी इसको अंतरात्मा से पुकार के बोले वही पूरा होता है। जो बनकाली नाम पड़ा बाबा, इसके बारे में कुछ? ये पूरा जंगल के अंदर में था इसीलिए बनकाली नाम पड़ा, एक्चुअल ये श्मशान काली है। अभी की जो इनकी महिमा है, जैसे आपने बोला कि जो आते हैं चमत्कारी रूप से उनको फायदा होता है, तो अभी की जो बीच में कोरोना काल रहा, कितना सफर किए इसमें भक्त और आप लोग? कोरोना काल में एक दिन भी मंदिर भीड़ कम नहीं था जी, प्रचंड भीड़ था। कोरोना काल में भी हमारा मंदिर यहाँ बंद नहीं था। तो एक सवाल है बाबा, जो कि लोग जो यहाँ भक्त आ रहे हैं वो प्रॉपर मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि गाइडलाइन सरकार की है, झारखंड सरकार की। हाँ, तो वो भी तो हम लिख भी दिए हैं, लेकिन आदमी को कितना बोलिएगा, इसके लिए अपना वो विवेक होना चाहिए। तो मेरे माध्यम से बाबा, जो भक्तों को कुछ कहना चाहें आप गाइडलाइंस के बारे में, वो बता दें कि यहाँ आने से पहले भक्त किस चीज़ का पालन करें? किस चीज़ का पालन करें? खाली ऐसे आना है, माँ को अंतरात्मा से पुकार के जो उनको कहना है माँ को कहे, वो पूरा होता है। मास्क लगाने के बारे में बात कर रहे थे, मास्क लगाने के लिए तो मास्क तो लगाने हम बोलते ही हैं सबको। जी भाई, नाम बता दीजिए। सबको बोलते हैं, हमारा नाम जी, हमारा नाम अमित कुमार लायक। यहाँ कब से पुजारी हैं? हम 86 से यहाँ हैं। जगह जगह जाकर हम आपको दिखाते रहे हैं कि लोगों से जुड़ा मुद्दा क्या है, जनहित की चीज़ें क्या है। कई एक जगह धार्मिक स्थलों पर जाकर भी मैं आपको दिखा चुका हूं कि लोगों की मान्यता, आस्था, वास्तविकता क्या रही है। अभी मैं हूं बनकाली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध माँ काली के मंदिर में, जहां श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कुछ देर पहले मैंने यहां के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि ये बहुत पुरानी मंदिर है, पहले यहाँ डकैत पूजा किया करते थे। ये चूँकि जंगल है, चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम बनकाली मंदिर पड़ा है। उस समय से जब पूजा प्रारंभ हुआ, लोग सजग हुए, जगह विकसित हुआ, अब यह आम जनों के लिए खोल दिया गया है। वैसे तो यहाँ 365 दिन के सातों दिन सोमवार से लेकर रविवार तक पूजा होता है, लेकिन दो दिन शनिवार और मंगलवार को मान्यता है
यहाँ लोग अधिक आते हैं और माँ काली की कृपा लोगों पर बनी रहती है। यहाँ अब खाने पीने से लेकर हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोग यहाँ जब आते हैं तो मास्क का ध्यान नहीं रखते हैं, जिस विषय पर मैंने यहाँ के पुजारी से भी बात किया, उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोगों से यह निवेदन कर रहा हूँ कि जब लोग यहाँ आएँ तो मास्क जरूर लगाएं, बावजूद इसके लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो आप जहाँ भी हैं, यदि आप देख रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आस्था जरूरी है, आप आस्था जरूर रखें, लेकिन एहतियात बरतना ना छोड़ें। सरकार गाइडलाइंस दी थी, कई एक महीनों तक मंदिरों को बंद रखा गया, लेकिन उस समय भी यहाँ भक्त आते थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि जिस समय सभी मंदिरें बंद थी उस समय भी यहाँ भक्त आते थे और पूजा करते थे, माँ की कृपा उन पर बनी रहती थी। अब ये कितना सच है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो कहा इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है कि एक कि इनकी महिमा अधिक है जिसके चलते लोगों में कोरोना नहीं फैलता है, दूसरा ये कि लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, यानी सरकार के गाइडलाइंस पर आस्था भारी पड़ रहा है। आप अपने आस्था से खिलवाड़ ना करें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं ये सभी हम लोगों के लिए होता है, हम लोगों के सुरक्षा के लिए होता है। मैं कई एक विद्यालयों से आपको भी दिखा चुका हूँ कि विद्यालय में भी स्थिति क्या है और वहाँ लोग कैसे गाइडलाइंस का पालन करते हैं। हमारे साथ एक सज्जन भी हैं, ऐसे थोड़ा जाने हम आपके बारे में, कहाँ से आए हैं और क्या है, कहाँ से आए? हम धनबाद से आए हुए हैं। कितने दिनों से आप मंदिर यहाँ आते रहे हैं? हम करीब 10 साल से। कुछ ऐसी चीज़ें बताएं इस मंदिर के बारे में जो श्रद्धालु भक्त नहीं जानते हैं और आपके थ्रू वो जाने और वो भी यहाँ पहुँचे। माँ का असीम कृपा है, महिमा है माँ का, यहाँ बहुत पुरानी मंदिर है। कोई ऐसा चमत्कार जो आपके साथ हुआ हो और आपका श्रद्धा विश्वास वो कुछ माँ के पास तो कोई श्रद्धा से ही आता है, विश्वास हो भी रख कर के आता है। और क्या, जो और दूसरी बात क्या बताएं। लगभग आप महीने में कितने बार यहाँ आ जाया करते हैं? महीने में हम सप्ताह में एक दिन आते हैं, शनिवार को। जी, नाम बताइए। तपन कुमार चौधरी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये थे भक्त जो बता रहे थे कि प्राचीन मंदिर रही है, लोगों का आस्था है यहाँ और लोगों का विश्वास लगातार बना हुआ है कि यदि हम इस मंदिर में जाएंगे तो हमें निश्चित तौर पर मनवांछित फल मिलेगा। आप भी यहाँ आइए ज़रूर, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए। फिलहाल के लिए हमें दे अनुमति, नमस्कार।